नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनो जी आरती में। दोस्तों आज मैं आपको दुर्गा पूजा पद्धति के जो पुस्तक है और दुर्गा पूजा से संबंधित जो भी सारे पुराण आदि तंत्र आदि है, मतलब जिससे जो है, देखिए दुर्गा पूजा के तो कई सारे विषय होते हैं जो कई जगह से जो है आपको नोट करना पड़ता है, मतलब संग्रहित करना पड़ता है। और एक पुस्तक या फिर एक जो है एक पूजा पद्धति की पुस्तक आपने देख लिए और उससे ही नहीं होता, असल में जो है उससे नहीं होता है। कई सा अगर आपको सही तरीके से करना है तो आपको खुद को लिखना चाहिए, खुद जो है एक जो है आपको कॉपी बनाना पड़ता है और उसी में से जो है पूजा की एक सही विधि उसमें बनानी होती है दोस्तों। क्योंकि एक पुस्तक आदि में जो है देखकर ये संभव नहीं है। हाँ, प्रथम प्रथम में ये ठीक है, मतलब प्रथम स्तर पर जो है ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो है ये ठीक है, पर उसके बाद जब आप उसे उत्तम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे पुराण आदि जो है तंत्र आदि से कई सारी चीज़ों को संग्रहित करना ज़रूरी हो जाता है। तो एक पुस्तक आदि खरीद लेने से पहली बात तो कुछ होता नहीं है। हाँ, वो आपको थोड़ा बहुत समझने में जो है वो मदद करता है। मैं पहले जो है पुस्तक आदि दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से कुछ बातें करूँगा। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा, बहुत ज़रूरी बात है वो सारे। तो दुर्गा पूजा के पुस्तक, तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो है ये देवी पुराणोक्त। एक चीज़ मैं यहाँ पर कह देता हूँ, बहुत में से आप लोगों ने मुझे कहा है कि दादा हिंदी में ही दिखाइएगा सारे के सारे। देखिए मेरा चैनल हिंदी है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरा वही रहता है कि मैं आप लोगों को हिंदी में ही दिखाऊं, पर ये सारे पुस्तकों का कलेक्शन ये जो है ये मेरा आज का नहीं है, ये मतलब चैनल शुरू से भी 2-3 साल पहले का है। तो इसलिए जो है उस समय ऐसा कुछ सोचकर मैंने हिंदी भी उस समय ख़रीदा है, बहुत सारे बांग्ला भी खरीदे हैं। तो जो क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं बंगाल में रहता हूँ और यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा पद्धति आदि बंगाल में ही अच्छे मिलते हैं और प्रचलित हैं। हिंदी में वैसे तो मिलता भी नहीं है इस तरफ उतना अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें, तो मेरे पास ये बंगाली में ही है। तो वही मुझे आप लोगों को दिखाना होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये देखने के लिए रिक्वेस्ट किया है कि दुर्गा पूजा के कितने सारे पुस्तक आदि है मेरे पास, तो इसीलिए जो है ये वाला वीडियो है दोस्तों। तो बांग्ला हिंदी जो भी है मैं वही आप लोगों को वैसे दिखा रहा हूँ। तो ये जो है दुर्गा पूजा पद्धति, ये देवी पुराणोक्त दुर्गा पूजा पद्धति है। देवी पुराण अनुसार दुर्गा पूजा पद्धति बहुत कम होता है, देवी पुराण अनुसार दुर्गा पूजा जो है बहुत कम होता है, ज़्यादातर कालिका पुराण और बृहदनंदिकेश्वर पुराण अनुसार ही किए जाते हैं। और आजकल तो लोग जैसे कि बेलूर मठ के दुर्गा पूजा को आजकल कॉपी करने के कारण बृहदनंदिकेश्वर पुराण का और भी ज़्यादा चलन, मतलब उस पद्धति का और भी ज़्यादा चलन हो गया है, पर ज़्यादातर पहले के समय में जो होता था कालिका पुराण अनुसार ज़्यादा किए जाते थे, कुछ परिवार आदि में और कुछ पुराने मंदिर आदि में जो है दोस्तों वहाँ पर जो है देवी पुराण उक्त दुर्गा पूजा पद्धति का विशेष चलन है। देवी पुराण उक्त दुर्गा पूजा पद्धति में जो अर्धरात्रि विहित पूजा है उसका जो है एक विशेषता है, उसका जो है विशेषता बहुत ज़्यादा है। जैसे कालिका पुराण में संधि पूजा आदि के विषय है, ये सारे के सारे काम्य पूजा है, पर काम्य दुर्गा पूजा के समय काम्य पूजा के तौर पर देवी पुराण में जैसे कि अर्धरात्रि विहित पूजा के विषय में ज़्यादा जोर दिया गया है। संधि पूजा भी है पर कालिका पुराण में संधि पूजा का ज़्यादा जोर है। तो ये देवी पुराणोक्त दुर्गा पूजा पद्धति है, मैंने एक एक करके हटा देता हूँ, यहाँ पर रखने से ज़्यादा हो जाएगा एक साथ जो है, मतलब जम जाएगा एक साथ बाद में। इसके बाद जो है ये वाला देखिए, ये वाला मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो है ये हिंदी में दुर्गा पूजा श्यामा पूजा पद्धति, ये जो है आप लोगों को चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से मिलेगा। आप में से जो लोग वाराणसी या पूर्वांचल में रहते हैं, जो लोग पटना में भी रहते हैं ना, उन्हें भी ये वाले पुस्तक मिल जाएगा। वाराणसी में जो लोग रहते हैं उन्हें तो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। चौखंबा के आप जो चौखंबा का वो जो सेंटर मतलब है वो गोपाल मंदिर के पास है, तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी ये वाला आपको मिल जाएगा आसानी से। हिंदी में अगर आप जो ये दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार है ये दुर्गा पूजा पद्धति,
आप लोग अगर हिंदी में पूजा पद्धति एक रखना चाहते हैं और कम से कम जो है एक दुर्गा पूजा पद्धति का आप कलेक्शन करना चाहते हैं हिंदी में, मतलब प्रचलित दुर्गा पूजा पद्धति के जो है पुस्तक अगर आप लोग चाहते हैं तो ये वाला आप कर सकते हैं, ये वाला जो है आप कर सकते हैं। इसमें जो है ये असल में जो है ना हमारी जो प्राचीन मैथिल परंपरा मूलता है, इसमें इसमें मूलतः मैथिल परंपरा है। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैथिल परंपरा जो है वो केवल मिथिला आदि मतलब बिहार आदि में, नहीं ऐसा नहीं है, पूरे पूर्वांचल में ही इसका बहुत प्रचलन था मैथिल परंपरा के साथ जो है। यहाँ तक कि बंगाल में अभी भी कोलकाता की ही अगर बात करें तो कोलकाता के सबसे पुराने जो दुर्गा पूजा है सावर्ण रॉय चौधरी परिवार के, उनकी दुर्गा पूजा भी जो है आज भी जो है दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार किए जाते जो कि मैथिल परंपरा है। तो ये दुर्गा भक्ति तरंगिणी मैथिल मतलब दुर्गा भक्ति तरंगिणी के बाद श्री रघुनंदन के ये तीन पुराण उक्त दुर्गा पूजा का चलन बहुत ज़्यादा हुआ। उन्होंने जो दुर्गा दुर्गोत्सव जो तत्व के विषय में बताया तो इन तीन पुराणों के आधार पर, बृहन्नंदीश्वर पुराण, कालिका पुराण और जो है देवी पुराण के, तो उसके बाद वो अखंड बंगाल में जो है वो बहुत प्रचलित हुआ। पर पूरे अगर पूर्वी भारत की बात करें, बिहार पूर्वांचल झारखंड बंगाल आदि पूरा लेकर जो है, तो वहाँ पर जो है दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार आज भी दुर्गा पूजा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दुर्गा भक्ति तरंगिणी अनुसार है, इसमें जो है उपचार आदि विधि आदि के लिए और दूसरे कई सारे विषय के लिए ये वाले दुर्गा पूजा पद्धति आप लोग संग्रहित कर सकते हैं। अगर हिंदी में आप जो है अच्छे वाले कोई दुर्गा पूजा पद्धति करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें श्यामा पूजा का भी वर्णन है, दुर्गा पूजा और श्यामा पूजा। अब इसमें बलि आदि का भी विषय है, आप में से कई लोग बलि आदि को लेकर बहुत सारे समय बहुत भावुक हो जाते हैं। देखिए हर चीज़ के ना हर नियम जो है आपके लिए नहीं है, जिनके लिए जो है वो उसी प्रकार से पूजन करेंगे। आप अगर जो है उसे लेकर भावुक हो जाएंगे तो उसे जो है मतलब वो कोई कार्य नहीं होता, वो आराधक का प्रवृत्ति नहीं होता है। किसी चीज़ को लेकर भावुक हो जाना या फिर उसे लेकर केवल विरोध आदि करना, उसे लेकर ये बोलना वो बोलना, ये भावुकता का विषय है, ये आराधक का विषय नहीं है, ये आराधक का विषय नहीं है दोस्तों। तो इसलिए जो है आप लोग ये दुर्गा पूजा श्यामा पूजा पद्धति ये संग्रहित कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है मैं थोड़ा फास्ट दिखाता हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो है ये है, ये कालिका पुराण उक्त जो है दुर्गा पूजा पद्धति, ये बहुत अच्छा दुर्गा पूजा पद्धति है कालिका पुराण उक्त। मुझे ना कालिका पुराण उक्त दुर्गा पूजा पद्धति ज़्यादा पसंद है, बृहन्नंदीश्वर पुराण आदि पूजा पद्धति से भी ज़्यादा मुझे जो है कालिका पुराण उक्त दुर्गा पूजा पद्धति ज़्यादा पसंद है। देवी पुराण का जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है, और देवी पुराण अनुसार देवी पुराण भी मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत जहाँ पर जितना ज़रूरी है वहाँ पर उतना, मतलब बहुत विस्तृत नहीं किया गया है वहाँ पर। कालिका पुराण मुझे बहुत सही लगता है, इसमें महापूजा के विषय मतलब बहुत आपको इसमें भी विस्तृत तो है ही कालिका पुराण में, पर बृहन्नंदीश्वर पुराण में कई सारे ऐसी विधि आदि आते हैं जो बहुत बड़े तौर पर मतलब बड़ा हो जाता है उससे विधि आदि जो। तो कालिका पुराण जो है सभी के लिए है, कालिका पुराण उक्त दुर्गा पूजा पद्धति सभी जो है पूजन कर सकते हैं, और मुझे बहुत पसंद है कालिका पुराण उक्त दुर्गा पूजा पद्धति से जो है दुर्गा पूजन मुझे बहुत पसंद है। कालिका पुराण उक्त दुर्गा पूजा पद्धति बहुत सारे बंगाली जो है मेरे दोस्तों ने कहा था कि ये दुर्गा पूजा पद्धति आप लोगों आप कहाँ से आपने लिए हैं और ये हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है संस्कृत पुस्तक भंडार जो है एकदम स्वामी विवेकानंद हाउस जो है शिमला में, वहाँ के एकदम सामने वाले ही जो है फूट में आपको मिलेगा वहाँ पर जो है दुकान उनका संस्कृत पुस्तक भंडार।
वहाँ पर आप जाकर जो है ये वाला कलेक्ट कर सकते हैं, कालिका पुराण उक्त दुर्गा पूजा पद्धति है उनका ही पब्लिकेशन का है, आप वहाँ पर जाकर इसे कलेक्ट कर सकते हैं, कालिका पुराण उक्त दुर्गा पूजा पद्धति। तो ये हो गया। अब जो है ये वाला एक है, इसमें जो है इसमें बृहद नंदकेश्वर पुराण अनुसार जो है दुर्गा पूजा पद्धति का वर्णन है, इसमें जगधात्री पूजा और बृहद नंदकेश्वर दुर्गा पूजा पद्धति दोनों का जो है एक साथ वर्णन है। ये काफ़ी अच्छा है जो लोग प्राइमरी लेवल पर जो है सीखना चाहते हैं, और ख़ासकर अभी बहुत सारे लोग सीखकर जो लोग पूजा आदि करना चाहते हैं कर रहे हैं असल में जो, तो उनके लिए बहुत सही है। पर मुझे ये वाला उतना कुछ खास नहीं लगा था, पर मतलब कुछ खास नहीं लगा मुझे ये, क्योंकि इसमें कुछ सारे विधि आदि का मुझे लगा कि वो थोड़ा और ज़्यादा सही करके शायद लिखना चाहिए था, पर अच्छा है। मतलब अगर देखा जाए तो 90% की तौर पर जो है ये वाले अच्छे ग्रंथ है, बृहद नंदकेश्वर पुराण अनुसार दुर्गा पूजा पद्धति और जगधात्री पूजा भी जो है इसमें है। ये ब्रह्ममयी है, इसका नाम जो है बांग्ला में ही है, ये सारे बांग्ला में ही होंगे क्योंकि ये सारे पद्धति आदि बांग्ला में ही ज़्यादा प्रचलित है दोस्तों। अब इसके बाद ये देखिए, ये मेरे पास एक है, ये चौखंबा का ही है, ये देखिए ये चौखंबा विद्या भवन का है, दुर्गा पूजा हवन पद्धति। ये असल में जो है मैंने ख़रीदा था, असल में जो है हवन पद्धति समझकर ही मैंने ख़रीदा था, पर ये एक्चुअल में हवन पद्धति उस प्रकार से नहीं है, ये पूरा का पूरा ही जो है पूजा पद्धति ही है, और अर्चन इसमें बहुत ज़्यादा, ये ना श्री विद्या परंपरा अनुसार जैसे अर्चन आदि का विषय जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, ये इस ग्रंथ में जो है। तो अगर आप लोग ये वाला ख़रीदते हैं, अर्चन आदि करना, दीप आराधना आदि, ये सब कुछ जो है इसमें आपको मिलेगा बहुत अच्छे से, और सहस्रनाम अर्चन आदि ये सब कुछ जो है, कुमकुम अर्चन आदि आप लोग करना चाहते तो उसके लिए ये वाले दुर्गा पूजा हवन पद्धति जो है ये एक बहुत अच्छा। इसका एक और भी आता है दुर्गार्चन पूजा पद्धति शायद, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। ये अच्छा ग्रंथ है, ये भी जो है ना अच्छा ग्रंथ है दोस्तों दुर्गा पूजा के लिए जो है, तो ये अगर आप लोग लेना चाहते तो ये भी आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रंथ है ये जो है। इसके बाद जो है ये मेरे पास, ये देखिए ये सप्तषदी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये तीन सप्तषदी मेरे पास है, ये वाला पॉकेट मतलब पॉकेट श्री श्री चंडी कहा जाता है, मतलब ये आप हर समय जो है अपने साथ रख सकते हैं। यही मैंने बहुत पहले ख़रीदा था जब मैं जो है कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तब मैंने ये वाला ख़रीदा था, और तब मैंने जो है ये वाला ख़रीदा था है दोस्तों। ये जो है बेलूर मठ से ही पब्लिश, मतलब उनके पब्लिकेशन का है ये जो है, बेलूर मठ के पब्लिकेशन का ही है, और बेलूर मठ के दुर्गा पूजा में जो चंडी पाठ आदि किए जाते हैं तो वो इसी ग्रंथ से जो है किए जाते हैं। ये शिष्य चंडी है, मतलब दुर्गा सप्तषदी दुर्गा, ये गीता प्रेस का है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत लोगों ने आप में से पूछा है कि बेलूर मठ की जो दुर्गा पूजा पद्धति है उसका कोई ग्रंथ आदि मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है, उसका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। बहुत सारे आजकल वो PDF आदि मिलने लगे हैं, देखिए उसमें से कई सारे विषय जो है, हाँ पूजा मतलब बेलूर मठ के वो विषय है उसमें, पर वो बेलूर से प्रकाशित कुछ नहीं है, मतलब वो बेलूर मठ से दिए गए कोई PDF नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ये नियम नहीं है देने का, ये नियम जो है मठ के अनुसार जो है ये परमिशन नहीं है कि मठ के पूजा पद्धति जो है वो बाहर किसी पुस्तक आकार में छपने का अनुमति अभी भी नहीं है। हर जो महाराज पूजन करते हैं, तंत्रधारक महाराज जो होते हैं उनके अपने कॉपी होते हैं, वो उसी से वो पूजन आदि करते हैं, पर ये पुस्तक आकार में नहीं। तो बेलूर मठ का दुर्गा पूजा पद्धति कुछ नहीं मिलता है अलग से जो है, उनका कुछ प्रकाशित नहीं होता है, केवल मात्र ये शिष्य चंडी ही जो है उनका ये प्रकाशित होता है। ये बड़ा वाला है, ये पॉकेट मतलब छोटा वाला ये जो है, और ये गीता प्रेस का एक है। गीता प्रेस के ना शिष्य दुर्गा सप्तषदी जो है बहुत ही अच्छे, उन्होंने हिंदी में, बांग्ला में, सभी भाषाओं में किया है। आप लोग अगर जो है कम से कम हिंदी में भी, बहुत सारे लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते, बहुत लोगों ने मुझे कहा है, तो ये पूरा ना हिंदी में है, ये पूरा हिंदी में। मैं एक्चुअली कई समय जो होता है
मेरा मन करता है कि बस हिंदी में पढूं, श्लोक आदि ना पढ़ के जो है हर समय तो श्लोक आदि के साथ नहीं पढ़ पाता हूँ, तो मेरा मन करता है कि बस जो है बाकी ये जो है वो बस जो है मैं हिंदी में पढूं, तो उसके लिए मैंने ये जो है लिया था ये वाले, तो ये बहुत ही अच्छे गीता प्रेस का ये वाले, आप अगर लेना चाहते हिंदी में तो हिंदी में ले सकते, हिंदी बांग्ला तमिल सभी में ये जो है मिलता है, केवल हिंदी में दुर्गा सप्तशती जो है, तो बहुत अच्छा है ये जो है, ये बहुत अच्छा है, तो आप ये ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि दादा गीता प्रेस के जो भी सारे जो शक्ति संबंधित जो ग्रंथ हैं क्या वो हमें लेना चाहिए, ज़रूर ले सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है, पर क्या है उनके जो भाव है वो वैष्णव भाव है, तो कई समय कई सारे व्याख्या आदि में मैंने देखा, जैसे देवी भागवत आदि में उनका कुछ कुछ व्याख्या जो है वहाँ पर थोड़ा जो होता है एक भाव जो होता है उनका छाप स्पष्ट मिलता है थोड़ा बहुत, पर बहुत अच्छा है गीता प्रेस के कारण ही जो है इतना सुलभ हो पाया है, सभी जो हमारे जो धार्मिक पुस्तक आदि जो है इसके लिए सच में जो है उन्हें जितनी बार भी नमन किया जाए, जितना बार भी उन्हें धन्यवाद दिया जाए, सच में बहुत कम है। तो गीता प्रेस के ये वाले हिंदी में हो, आप बांग्ला में, जो लोग बांग्ला में देख रहे हैं हमें, तो वो लोग अगर लेना चाहते हैं, और केवल जो है इसमें जो है मंत्र आदि नहीं है, मतलब श्लोक आदि नहीं है इसमें, ये केवल जो है इसकी व्याख्या है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे है ये देखिए, ऐसे है ये वाले, इस तरह से है, इस तरह से है, मतलब ये वाले तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है इस तरह से, बस इसका वर्णन है पूरी तरह, पूरा है मतलब पूरा ही है इसमें, एकदम कंप्लीट है, बड़ा इस तरह से है, तो आप इसे ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। मेरा तो बहुत, मतलब मुझे जब भी मन करता है ना सप्तशती पढ़ने का, पर श्लोक आदि उस तरह से नहीं, तो मैं यही वाला पढ़ता हूँ, यही वाला जो है मैं पढ़ता हूँ, तो आप ये वाले भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सप्तशती। अब जो है ये मेरे पास, ये देखिए, ये एक बांग्ला के दुर्गा भक्ति तरंगिनी है, और ये वाले हिंदी के भी, मेरे पास दोनों दुर्गा भक्ति तरंगिनी हैं, ये हिंदी बांग्ला वाले हैं और ये हिंदी वाले हैं, ये बहुत रेयर हो गया है, बांग्ला वाले भी जो है बहुत कम मिलता है, और ये तो बहुत रेयर है, ये मुझे एक जन ने एक्चुअली दिया है, ये देखिए दरभंगा बिहार से प्रकाशित है दुर्गा भक्ति तरंगिनी, ये वाला जो है ये सबसे, इन्हीं का पब्लिकेशन केवल मिलता है, और सबसे पुराना पब्लिकेशन है दुर्गा भक्ति तरंगिनी का, और इसका पीडीएफ भी मिलता है दोस्तों, इसका पीडीएफ भी जो है ना मिल जाता है, पर ये वाला एक्चुअली मुझे ग्रंथ जो है एक जन ने दिया, तो इसीलिए जो है मेरे पास दो दो दुर्गा भक्ति, माँ के कृपा से दो दुर्गा भक्ति तरंगिनी हो गए। वैसे आप में से कई लोग मुझे कहते हैं ना कि दादा आप दुर्गा भक्ति तरंगिनी के विषय में बहुत कहते हैं, जब भी दुर्गा पूजा के विषय में कहते हैं, हाँ मुझे दुर्गा भक्ति तरंगिनी के अनुसार पूजन जो है वो ज़्यादा पसंद है। वैसे अगर दुर्गा भक्ति, वैसे हमारे यहाँ का क्योंकि एक परंपरा को मैं देख कर जो है, मतलब ज़्यादातर जो है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा ही कि कालिका पुराण उक्त अनुसार ही ज़्यादा पूजन किए जाते हैं, आज वृहद नंदकेश्वर पुराण का ज़्यादा अनुसार जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पर कालिका पुराण उक्त पूजा पद्धति ही ज़्यादा पुराने हैं। पर मुझे जो है, मुझे अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर आप कहें कि आप अगर कभी दुर्गा पूजा करते हैं तो आप किस मत अनुसार करना चाहेंगे, तो मेरा मन है अगर अगर कभी हो पाए, पता नहीं, ये बोलना भी सही नहीं है इस तरह से, तो मैं दुर्गा भक्ति तरंगिनी अनुसार ही करूँगा, दुर्गा भक्ति तरंगिनी अनुसार ही जो है मुझे ज़्यादा पसंद है दोस्तों, दुर्गा भक्ति तरंगिनी अनुसार ही जो है मुझे दुर्गा पूजा बहुत पसंद है। दुर्गा भक्ति तरंगिनी आदि में जो है संधि पूजा आदि ये सारे विषय जो है इसमें नहीं है, काम्य पूजा का इसमें वर्णन नहीं है, ये हिंदी और बांग्ला दोनों में, आप जिनमें आप लोग बांग्ला में पढ़ना चाहते हैं बांग्ला में पढ़िएगा, हिंदी में अगर ये वाले आप पढ़ सकते हैं या इसका पीडीएफ भी मिलता है दोस्तों, तो ये वाले आप पढ़ सकते हैं आसानी से। अब जो है इतना ज़्यादा पता नहीं, धूल बहुत हो रहा है इसलिए खांसी हो रही है, इसके साथ जो है ये कालिका पुराण है, ये मेरे पास कालिका पुराण एक है, और
ये देवी पुराण है, देवी पुराण है, कालिका पुराण है, और ये जो है ये देवी भागवत है, देवी भागवत है। तो ये जो है ये तीन भी जो है मैं देखता हूँ, देवी पुराण और कालिका पुराण, यही दोनों ज़्यादा जो है मैं ज़्यादातर जो है इससे, मतलब दुर्गा पूजा के कई सारे विषय आदि अगर जानना होता है आप लोगों के लिए, कुछ वीडियो बनाना होता है, कई सारे विषय आप लोगों को बताना होता है, तो इन दोनों में से मैं आप ज़्यादातर जो है पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि सही है या नहीं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ, या खुद भी, मेरे खुद भी कई सारे कन्फ्यूशन आदि होते ही हैं, तो वो भी मैं जो है इन दोनों में ही जो है देखता हूँ। और दुर्गा भक्ति तरंगिनी तो है ही दोस्तों, पर पुराण की मैं बात कर रहा हूँ तो वो देवी पुराण और कालिका पुराण में मैं ज़्यादा देखता हूँ, और देवी भागवत में भी। पर ज़्यादातर पूजा के विषय की अगर बात करें, देवी भागवत मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, पर पूजा की अगर विधि आदि के विषय की बात करें तो कालिका पुराण में और देवी पुराण में ही मैं ज़्यादातर जो है मैं देखता हूँ। तो ये हो गया। अब ये वाले ये देखिए, ये जो है ये तंत्र दुर्गा सप्तशती, एक जन ने आपने मुझसे कहा था ये भी बनारस चौखंबा से ही मैंने लिया है। दुर्गा तंत्र दुर्गा सप्तशती जो है इसका कोई प्रयोग आदि आप लोग बिल्कुल मत करने जाइएगा, अगर आप लोग ये ग्रंथ ले भी रहे हैं तो। ये संपूर्णता बिना जाने जो है ये ना कोई खेलने की विषय नहीं है दोस्तों, हमारी ये जो शक्ति पूजा आदि के विषय जो है ये कोई खेलने के विषय नहीं है। तो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके लिए आप ले सकते हैं ऑन, मतलब इसका पीडीएफ भी उपलब्ध हो है, तंत्र दुर्गा सप्तशती का देखिएगा, पीडीएफ भी है इसका ही, इसका है या नहीं मुझे नहीं पता, पर तंत्र दुर्गा सप्तशती के पुराने एक पुस्तक है, उसके पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे, वो वाले जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये भी जो है, मतलब ये भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ये भी अगर जो है आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, ये वाले भी आप लोग जो है खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ नहीं मिलता है, इसका पीडीएफ नहीं मिलता है, वो पुराने वाले जो एक दुर्गा सप्तशती का पब्लिकेशन था उसी का मिलता है, जहाँ तक मैंने देखा है। ये वाले वहाँ से अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, ये जो है दुर्गा सप्तशती का तंत्र, यहाँ पर लिखा ही है सप्तशत्या गुह्य बीज नामावली, ये जो है गुह्य बीज है, ये सभी के लिए नहीं है, ये जो है जो वैराचारी साधक होंगे ये उन्हीं के लिए है, ये सबके लिए नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल सबके लिए नहीं है। दुर्गा तंत्र सप्तशती जो है, तंत्र दुर्गा सप्तशती, ये सभी के लिए नहीं है। आप लोग अगर खरीदते हैं आप लोग, या फिर जो है आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग बस इसे पढ़िएगा, जानिएगा, इसका प्रयोग करने बिल्कुल मत जाइएगा, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ। बहुत सारे आप लोगों ने मुझे मेल किया है, 7-8 जनों ने, कि दुर्गा तंत्र दुर्गा सप्तशती बताइए दादा, हम तंत्र अनुसार ये करना चाहते इस बार दुर्गा सप्तशती, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है, ये हवन आदि में, पूजन आदि में तभी प्रयोग होगा जब जो है ये गुरु आपको कहेंगे। तो ये हो गया तंत्र दुर्गा सप्तशती। अब ये देखिए, ये जो है ये तंत्रोक्त पूजा पद्धति के कुछ विधि आदि के लिए जो है ये भी पुस्तक मैं देखता हूँ, ये वाले दो जो है तंत्रोक्त पूजा पद्धति और नित्य पूजा पद्धति जो है ये भी मैं देखता हूँ, और इसके साथ ये मेरे आगम के, ये दो आगम, आगम तो आगम के बिना हो ही नहीं सकता मेरा, आप लोग जानते ही है, तो आगम क्योंकि आवश्यक है ही विधि आदि के लिए, तो आगम के बिना कैसे होगा, तो ये आगम रहस्यम। और ये गंधर्व तंत्र, गंधर्व तंत्र क्यों, क्योंकि इसमें जो उपचार विधि आदि के है ना, षोडश उपचार विधि आदि, तो उसमें कई सारे विषय देवी पूजा के विषय में जो कहा गया है, तो वहाँ से कई समय मैं नोट आदि करता हूँ, ये अन्नपूर्णा पूजा आदि के विषय में भी मैं लेता हूँ दोस्तों, तो गंधर्व तंत्र को भी मैं देखता हूँ, और आगम रहस्यम तो है ही। तो यही था दुर्गा पूजा के मेरे जो भी सारे पुस्तक आदि जो है वो यही है दोस्तों, और इतना ही, मतलब इससे ज़्यादा अभी तक तो मैंने कुछ खरीदने के विषय में नहीं सोचा है, इतना ही मेरे पास है। आप में से कई लोग बस पुस्तक खरीदने के विषय में बोल रहे थे कि दादा ये क्या खरीदे, हमें आप ये बता दीजिए हिंदी में ये कहाँ से मिलेगा। पहली बात जो है, दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा केवल मात्र पुस्तक खरीदने से नहीं होता है दोस्तों,
दुर्गा पूजा पुस्तक खरीदने से नहीं होता है, उसे समझना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है, पहले उसे समझना पड़ता है, फिर आप पढ़ेंगे जानेंगे तभी आप कर पाएंगे। पहले ही पुस्तक, हाँ पुस्तक आप खरीद कर उसे आप पढ़ सकते हैं, पर कुछ समझेंगे नहीं पहले ही, तो देखते रहे।